हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम आपके लिए क्रैश कोर्स का पार्ट 13 से लेके आए हैं। तो जो आज का सेशन रहने वाला है वो बेसिकली जियोग्राफी और जम्मू कश्मीर पे रहने वाला है, जिसपे हम आपके लिए 30 क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो का जो बच्चों को डाउट बने थे एक दो क्वेश्चन में, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो पहला क्वेश्चन था, जो जो बच्चे कह रहे थे 12th क्वेश्चन है वक्ते कश्मीर, तो वो हमने भी देखा था कि जब मैंने वीडियो बना दी थी उसके बाद मैंने देखा था ये थोड़ा शायद गलत हो गया है क्वेश्चन। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमने आपको करेक्शन करवा दी थी कमेंट सेक्शन में, मोहम्मद अज़ाम हमने करवा दी था। तो लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन जो कह रहे थे बच्चे कि सर स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लाई कैचर है, तो बेसिकली बात ये है कि क्वेश्चन ऐसे ही हो गए पेपर में, इजी हो गए, लेकिन आपको लगेगा ये इजी थे, आप ठीक करके आ लोगे, लेकिन जब घर पे आओगे आप देखोगे कि ये तो हमसे गलत हो गया। क्वेश्चन इजी होगा लेकिन बस आपसे घुमा के पूछा होगा। मैंने वहां पे लिखा क्या था, मैंने वहां पे लिखा था स्टेट, तो जब स्टेट लिखा है तो ब्लैक नेक क्रेन लगाना है। मैंने मेरे पूछने का तरीका कुछ अलग था, क्योंकि ये ऑलरेडी ये एक जगह और पूछा गया था, मैंने वहां से देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं अपने क्विज में भी डालूं यही क्वेश्चन सेम टू सेम, देखता हूँ कि यहाँ के बच्चे कितने करेक्ट आंसर देते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने वैसे कुछ बोला नहीं था उसके बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे जानते भी थे कि ये ब्लैक नेक क्रेन है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट तो फ्लाई कैचर है, लेकिन तब तो क्वेश्चन में लिखा होगा यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने स्टेट लिखा हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन में लिखता कि बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर यूटी, यूटी से पहले कौन सा बर्ड था, फिर तो आप ब्लैक नेक क्रेन ही लिखते। लेकिन मैंने पूछा सिर्फ जब मैंने स्टेट लगा दिया, तो स्टेट का मतलब कि स्टे टाइम पे, अब टाइम देखिए जब मैंने स्टेट लगाया तो स्टे टाइम पे यूटी। अगर मैं लिखता फ्लाई कैचर, मुझे भी मालूम है कि फ्लाई कैचर है, मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने एक और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने डाला था एक फ्लाई कैचर का कि यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर, तो मैं वहाँ पे फ्लाई कैचर लगाया बताया था आपको। तो वहाँ पे अगर मैं फ्लाई कैचर बता रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों गलत करूंगा, बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैंने यूटी लिखा था और यहाँ पे मैंने स्टेट लिखा है, तो समझने का तरीका अलग था। ठीक है, तो जो स्टेट के अकॉर्डिंग था वो आपको ब्लैक नेक क्रेन लिखना था, तो मैंने उस क्वेश्चन में करेक्शन नहीं करवाई थी, चाहे तो मैं करवा सकता था लेकिन मैंने नहीं करवाई थी। मैंने सोचा ये थोड़ा कॉमन सेंस लगानी थी आपको कि अगर स्टेट लिखा है तो स्टेट टाइप पे ब्लैक नेक क्रेन है, अगर फ्लाई कैचर होता तो मैं यूटी लिखता। ठीक है, तो बस ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बल्कि क्वेश्चन ईजी हो गया, बस आपसे थोड़ा घुमा के पूछा होगा तो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो पूछा गया है। ठीक है, तो होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन वन, विच इज नोन एज लैंड ऑफ सफायर एंड सैफरन, कौन से लैंड को सफायर एंड सैफरन कहा जाता है, ए कटरा, बी किश्तवाड़, सी उधमपुर या फिर डी श्रीनगर। तो लैंड ऑफ सफायर एंड सैफरन किश्तवाड़ को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, किश्तवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर लेक्स इन द शिवालिक रेंज, ए मानसर, बी सुनविंसर, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो शिवालिक रेंज रीजन में आती है लेक्स हमारी, वो हमारी बोथ होगी, यानी कि मानसर भी और श्रीनगर भी, दोनों की दोनों हमारी शिवालिक रीजन में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद 10 विलेजेस, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो 10 विलेजों से के उसका नाम बना हुआ है, एसोसिएट है। तो ए डचिकम नेशनल पार्क, बी स्लीमली नेशनल पार्क, सी हैमिस नेशनल पार्क या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डचिकम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद 10 विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द प्लेस अदर देन पेम्पोर वेयर सेफ्रॉन इज कल्टिवेटेड, तो आपके ऑप्शन है ए पारसपुरा, बी किश्तवाड़, सी बड़गांव या फिर डी जम्मू। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स इन कश्मीर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहा जाता है कश्मीर में। ओके, ऑप्शन है ए अनंतनाग, बी श्रीनगर, सी बारामूला या फिर डी पुलवामा। ठीक है, तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स इन कश्मीर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कैपेसिटी ऑफ बागलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज 800 मेगावाट, बी 850, सी 900 या फिर डी 500 मेगावाट। जो कैपेसिटी है बागलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वो है 900 मेगावाट। ठीक है, इसको दो फेजेज में डिवाइड किया गया है, जो पहला फेज है वो भी 450 मेगावाट का है, जो सेकेंड है वो भी 450
मेगावाट का है, ठीक है। तो ये दोनों मेगावाट 450 450 प्लस टोटल जो बनता है इसकी कैपेसिटी वो 900 की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द जे एंड के स्टेट इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी जियोग्राफिकल जोन्स, ठीक है। जो जे एंड के स्टेट है वो कितने जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है। ओके, ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज सीन, ए 1968, बी 1960, सी 1959 या फिर डी 1969। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इन 1960 में, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोकल नेम ऑफ ऑटम एज पर कश्मीरी कैलेंडर, लोकल ऑटम सीजन को लोकली क्या कहते हैं। ए सोंत, बी ग्रीष्म, सी हरूद या फिर डी शिशुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरूद इज नोन एज ऑटम सीजन इन कश्मीर, इन कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज नोन एज द बर्ड्स पैराडाइज, ए मनसबल लेक, बी डल लेक, सी नागिन लेक या फिर डी वुलर लेक। तो बर्ड्स पैराडाइज इज नोन एज मनसबल लेक, मनसबल लेक इज नोन एज द बर्ड्स पैराडाइज, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। ए डल लेक, बी मनसबल, सी वुल्लर या फिर डी नन ऑफ दी। तो जो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है ऑप्शन नंबर सी वुल्लर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वट इज द संस्कृत नेम ऑफ जेलम रिवर, जेलम रिवर का संस्कृत नेम क्या है। ओके, ऑप्शन ए दास्ता, बी चंद्रा, सी वेद या फिर डी हैदरस्पा। तो संस्कृत में जेलम को वितास्ता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछे हैं, तो इससे क्या होगा मैं फिर से लाया हूँ ये क्वेश्चन, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी रिवीजन होते रहे साथ साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, चिनाब रिवर ओरिजिनेट थ्रू, चिनाब रिवर कहाँ से आती है। तो आपके ऑप्शन ए मानसरोवर, मानसरोवर बी लद्दाख, सी अखनूर या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश से आती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी कश्मीर और छोटा कश्मीर, किसको मिनी कश्मीर छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए उधमपुर, बी भद्रवाह, सी रजौरी या फिर डी ननौदीस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी भद्रवाह, ठीक है। भद्रवाह को छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच रिवर श्रीनगर इज लोकेटेड, कौन सी रिवर पे श्रीनगर लोकेटेड है। ए गंगा, इंदस, चंबल और डी जेलम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी जेलम रिवर, ठीक है। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन जेलम रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल टाउन, ए सुपौर, बी अनंतनाग, सी शोपियां या फिर डी जम्मू। तो एप्पल टाउन जो कहा जाता है वो बेसिकली सुपौर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सी कंट्री जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में है। तो आपके ऑप्शन ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी थाईलैंड। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज टू द वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डल लेक इज सिचुएटेड इन, डल लेक है कहाँ पे लोकेटेड है। ए श्रीनगर, बी बारामूला, सी अनंतनाग या फिर डी कुपवाड़ा। तो जो डल लेक है वो श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नील नाग लेक लोकेटेड, तो नील नाग जो लेक है कहाँ पे लोकेटेड है। ए कुपवाड़ा में, बी रियासी, सी बडगाम या फिर डी पुलवामा। तो नील नाग जो लेक है वो बडगाम में लोकेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, क्रेवा सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग, जो क्रेवा सॉइल है वो किसके काम आती है ग्रोइंग करने में, ठीक है। ए वीट, बी सैफ्रॉन, सी राइस या फिर डी टी। तो क्रेवा सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग सैफ्रॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रामबन डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ए डोडा, बी
बारामूला, सी उधमपुर, या फिर डी कुपवाड़ा। तो जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो डोडा से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए श्रीनगर, बी पुलवामा, सी डोडा, या फिर डी रामबन। तो जो एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में लोकेटेड है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। अभी मैं आपको नीचे चार लेक के नाम दूंगा, उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी जो लेक है वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। आपके ऑप्शन ए फुलजहार लेक, बी कोलुरू लेक, सी अंचर लेक, या फिर डी हमीरसर लेक। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंचर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, अंचर, ठीक है। क्वेश्चन 24। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन एज लैंड ऑफ बाउल्स एंड लैंड ऑफ देविका। ए पुंछ, बी डोडा, सी रजौरी, या फिर डी उधमपुर। तो जो लैंड ऑफ बाउल्स और लैंड ऑफ देविका जिस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, वो है उधमपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, उधमपुर इज नोन एज लैंड ऑफ बाउल्स एंड लैंड ऑफ देविका इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू कश्मीर। ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी, या फिर डी इंदस। चिनाब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, चिनाब रिवर इज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लोकल नेम ऑफ स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर। तो लोकल नेम है स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था आपको। तो ए सोंथ, बी शिशुर, सी ग्रीष्म, या फिर डी ननावदी। तो स्प्रिंग सीजन को सोंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर आल्सो नोन एज। ए वाजवात, बी औंदरवा, सी बोथनेवी, या फिर डी ननावदा। तो जो आउटर प्लेन्स है जेएनके के उनको वाजवात और अंदरवा दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिवर इंदस। ए मनसवल लेक, बी यांगजोंग लेक, सी स्नोबेड लेक बारालाचा, या फिर डी मानसरोवर लेक इन टिबेट। तो इंदस का जो सोर्स है वो है ऑप्शन नंबर डी, मनसवर लेक इन टिबेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व राम बियारा एंड रश्मि आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। झेलम, चिनाब, रावी, या फिर डी कृष्णगंगा। तो विश्व राम बियारा एंड रश्मि जो ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम रिवर की है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आके लास्ट क्वेश्चन। द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर इज लोकली टर्म्ड एज। जो कोल्डेस्ट मंथ कश्मीर में होता है उसको क्या कहा जाता है लोकली लैंग्वेज में। ए कोड कुशु, बी चिल्लन कलन, सी अलामगिर, या फिर डी अबराज हेतुनार। तो जो कोल्ड मंथ है कश्मीर में उसको चिल्लन कलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रहने वाले ये। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तो अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो बाय एंड टेक।